क्या बात है अली भाई, क्या मॉडल है ये। अली भाई ये मॉडल को देख, शिमला में क्या सूट किया इसने, पूरा टीम हिला दिया, हिला के रख दिया है। क्या मॉडल है यार, देख देख ना। क्या बात करते हो डीके सर, मैं एक मॉरिशस के शूट पे गया था, मैंने देखा था एक मॉडल को, ऐसा स्टंट किया था, फर्स्ट ने सेकंड ने सेवन फ्लोर से जंप किया था और स्टैंड, जितने भी आजू बाजू वाले थे शॉक हो गए थे, ऐसा उसने किया था। आप क्या बात कर रहे हो डीके सर, चैतन्य राव शर्मा जानते हो उसको, शूट पे गया था जब ही देखा था मैंने उसको। अच्छा अगस्त में जो मलेशिया गया था वहां की बात कर रहे हो क्या? हां सब बड़े लोग हैं साला इसके सामने, आप क्या बात करते हो। चैतन्य राव शर्मा, हां एक काम करना, अपने बॉस के लिए उसका मीटिंग करा दे, कब कराता पक्का। अरे हाँ, लेकिन उससे अपना मीटिंग कैसे हो सकता है, वो बॉस के लिए चाहिए वैसे ही करना, तो वैसा ही मीटिंग करेंगे अपन। करा उससे ही करा यार, अपना बॉस इसी फिल्म में आ रहा ना, हिला के रख देगा मालूम है। मैं बात कर रहा था कितना राय शर्मा, मैं नहीं बन सकती नाइट स्टार है। क्यों हंस रहे हो? डीके साहब, हाँ अपने को तो ये पता भी नहीं है कि अपने बीच में एक स्टार बैठी है। अरे वाह, बिल्कुल सही बोला अली भाई, एक नंबर बात बोला, वो तो हम लोग को ध्यान ही नहीं है इनके ऊपर, बाहर की बात करते अपने बाजू में बैठ लिए, क्या बात किया। हाँ एक नंबर, बड़ा बनने के लिए एक से एक काम करना पड़ता है, हर एक चीज में ध्यान देना पड़ता है, अगर आपको कोई चीज का काम करना है तो आप कर पाओगे? क्या करना पड़ेगा मुझे स्टार बनने के लिए, कौन कपड़े पहनने पड़ेंगे? पहनूंगी और तो और, एक्सपोज करना, स्मूथ करना, सारे काम करने पड़ेंगे, स्टार ऐसे नहीं बन जाते हैं। स्टार बनने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। रोगी काम करो अली भाई। अच्छा तो एक काम करना, किस करके दिखाना, ये क्या हो रहा है? करने का तो यहां पर नहीं आने का, जूझो बैठ जाओ। व्हाट सॉरी, कटर मशीन नहीं करने का, काम करने का, समझा?
हेलो सर। बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। और क्या लोग चाय कैसे ना? नो थैंक्स सर, नो फॉर्मेलिटीज। मेरा नाम सारिका है और मुझे श्वेता ने भेजा है सर। हाँ, श्वेता को मैंने बोला था जॉब के लिए, आप ही हो? जी जी सर, मुझे श्वेता ने बताया था आपके प्रोडक्शन हाउस में एक वैकेंसी खाली है। वैसे मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी किया है। मुझे कोई कंप्यूटर इंजीनियर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए पर्सनल, जैसे कि मेरे सब पर्सनल जानकारी रहे, यहाँ की मेरी छुट्टी को भी पता नहीं चले। सर पर्सनल मतलब? मतलब मैं नहीं समझी। आई वांट पर्सनल सेक्रेटरी। मैं समझी नहीं सर। मैं जाता हूँ लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, हांगकांग, वहाँ पे आपको पर्सनल चलना पड़ेगा। ऑफ कोर्स, तो मैं चलूंगी ना सर। तो फिर दूर की बैठिए, दूर की बैठिए, यहाँ आके बैठिए, पर्सनल है ना, पर्सनल होता है। और मैडम, नाउ यू आर माय पर्सनल। यस सर, ऑफ कोर्स। और तुम्हें शूटिंग के लिए अब्रॉड चलना है? मैं बिल्कुल चलूंगी ना सर। हमारा पासपोर्ट, वीजा सब मिला हुआ है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। बट सैलरी सर? सैलरी कर दी ना छुट्टी भाई, कितनी सैलरी? 10, 20, 30, 40 सर। 1 लाख। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। मंथली सैलरी? थैंक यू सर। ये रिंग तो बहुत प्यारी है सर। ये रिंग तो सोने की है ना सर, इसकी डिजाइन तो बहुत प्यारी है। You like it? Yeah, I like it, sir. Thank you, sir. But आपके घर वाले सर? एक बार पर्सनल होता हूँ। घर वाले अलग, मुझे नहीं पता। Don't worry, darling. चलेंगे, खाएंगे। Yes, sir. थैंक यू सर, ऑफ कोर्स। और आपके घर वाले? घर वाले? हाँ, ये मेरा पर्सनल लुकआउट है। जी। ठीक है। हाँ, आ गया। आज बहुत लेट हो गए हो दादाजी। हाँ। बहुत थके हुए लग रहे हो। हाँ बेटा, बहुत ज्यादा काम था। दादा दादा, पानी लेके आओ। नहीं बेटा, रहने दो। दादा दादा, आज मेरे लिए क्या लाए? आपका फेवरेट चॉकलेट लाया हूँ बेटा, ये लो। चॉकलेट? थैंक यू दादा। लेकिन आपको मालूम है ना, 2 दिन बाद मेरा बर्थडे है। हेलो, रोज का तो मैं चला लूंगा, लेकिन मेरा कंप्यूटर सेटअप आप भूले तो नहीं हो? अरे नहीं नहीं नहीं, अरे कैसे भूल सकता हूँ बेटा, मेरे बेटे का बर्थडे है। बेटे, मैं तुम्हारा प्रेजेंट भी लाऊंगा और हाँ। जो तुमको सारी चीजें पसंद हो, सारी चीजें लेकर आऊंगा। आई प्रॉमिस, पक्का 100% मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिश पूरा करूंगा। हाँ बेटा, हाँ पक्का लेके आऊंगा, पक्का पक्का प्रॉमिस बेटा, 100%। हाँ बताया था, हाँ वही लाऊंगा बेटा, जो तुमको पसंद है वही हमारी भी पसंद है। हाँ, जो कहोगे वो सब कुछ ला के दूंगा। हाँ दादा, लेके आना, मेरी पसंद का कंप्यूटर मुझे बहुत अच्छा। हाँ। इसमें थैंक्स की क्या बात है बेटा? थैंक यू दादा। जो मैंने प्रॉमिस किया अपने पोते के लिए, इतना करना तुम्हारा फर्ज है, मैं ला के दूंगा ना। दादा, अब मैं आपके लिए कब से इंतजार कर रहा था, आज आप बहुत लेट हो गए, पेट में चूहे दौड़ रहे, जल्दी खाना बनाओ ना, आज आपने बहुत लेट कर दिया। मेरे बेटे को भूख लगी है। कितने मिनट? बस 20 मिनट रुको बेटा, गरम खाना बनाएंगे और दोनों साथ में मिलकर खाना खाएंगे। जल्दी बनाना, बहुत। हाँ तुम, मैं अभी जाता हूँ, जा करके फटाफट खाना बनाता हूँ। हाँ मैं चुपचाप बैठे रहो। हाँ नहीं दादा, मैं भी आता हूँ।
भाई। ठीक हूँ सर, आइए। बहुत धुआंधार चल रहा है, बहुत पैसा छाप रहे हो। किधर सर पैसा किधर छाप रहे हैं? आओ डीके, दो चेयर लेके आओ। यस सर। साहब को लोग को बैठने के लिए। और बाकी क्या चल रहा है सर? हमको भी कुछ पैसा लगाने का, उसका मौका दीजिए सर। इस टाइम तो नहीं हो पाएगा, अगले प्रोजेक्ट में आपको जरूर इन्वॉल्व करेंगे। थोड़ा इसमें भी कभी लेकर तो आपका भी फायदा है। आप लोगों को इन्वॉल्व करके फायदा तो है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में फुल फाइनेंस हो चुका है। वो काम कर देते, हमको थोड़ा बीच मिला था तो आपने। वो तो है, देंगे ना सर। नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपके साथ जरूर करेंगे। बहुत सा पैसा फैला हुआ है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट आप लोग के साथ ही करेंगे। सी हम ये कंप्लीट कर लिए फाइनेंस, लेकिन नेक्स्ट प्रोजेक्ट। रमन भाई, अपना मॉरिशस में अपना फार्म हाउस अच्छा है, बड़ा है, आपको देख के पसंद आ जाएगा। आप वहाँ शूटिंग कर लो, मैं हूँ ना साथ में। बराबर है, देखो बीच में गैप निकालो। नहीं नहीं नहीं, इस प्रोजेक्ट में तो नहीं होगा सर। नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आपके साथ जरूर काम करेंगे, मॉरिशस भी चलेंगे। हम लोग भी आपके फिल्म में पैसा लगाना चाहते हैं, हम भी कमाएं, आप भी कमाओ। नहीं 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 सर, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? यही नहीं काम करें, मगर अगले प्रोजेक्ट में 100% हम आपके साथ काम करेंगे। क्या करें सर, आप लोग ही लेट आए। मैं भी ये चाहता हूँ कि आप जट करूँ और आप भी कमाओ, हम भी कमाएं। ओके बाय सर, अगला प्रोजेक्ट हम लोग जरूर मिलकर करें। अपने बॉस से भी बात कर लेता हूँ, हाँ, कि आप लोग आए थे और साथ में मिलकर के काम करना चाहते हैं, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप साथ में काम करेंगे 100%। ओके बाय। ऐसा लगता है कि शाहरुख खान के आगे चले जाएगा। आपको हीरो बनना है? आपके साथ कौन कौन आए? हाँ, हीरो बनना है। अरे इधर आओ, आओ आओ मेरे पास। हाँ बेटा, हीरो बनना है। अरे बेटा, हीरो बनने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, जूते घिस जाते हैं इंडस्ट्री के चक्कर काटते काटते, तब जाकर के हीरो बनता है। हाँ अच्छा बेटा, ये बताओ कि पढ़ाई करते हो तुम? हीरो बनने के लिए पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। तुम खूब मन लगा करके पढ़ाई करो, अगली पिक्चर में बनाऊंगा तुमको जरूर बुलाऊंगा। अब तुम घर जाओ। हाँ बेटा, हाँ अपन मन लगा के पढ़ना घर पे। हाँ, और अपने मम्मी पापा की बात मानना, जाओ। हाँ हाँ, बाद में बात करता हूँ। आइए रमन अंकल, आइए आइए। सर ये रहा सारे आर्टिस्टों का लिस्ट, मैंने सारे लोगों का डेट ले लिया है। वेरी गुड। अरे रमन अंकल, मेरे पापा के जमाने से तुम काम कर रहे हो। हाँ, मेरे पापा गुजर गए, पापा के वफादार थे, अब मेरे वफादार है। तुम पे पूरा भरोसा है, तुम्हारे काम के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। कोई टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है? सर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे पोते का बर्थडे है, मुझे 25,000 एडवांस चाहिए था। मैं धीरे धीरे हर महीने अपने पगार से कटवा दूंगा। अरे अपनी औकात में रहो, बच्चे का बर्थडे 25,000 का खर्चा करोगे बच्चों के बर्थडे में? हाँ, 1,000-2,000 चीज तो अभी देता हूँ मैं तुमको, अपनी औकात से बाहर मत जाओ। तो कोई गिफ्ट दे दो उसको, जाओ जैसे रुपया नहीं है तुम्हारे।
हेलो सामंत भाई, लॉन्ग टाइम के बाद कैसे याद किया मुझे? हेलो, मुझे 25,000 अर्जेंट जरूरत है भाई, अगले महीने मैं वापस कर दूंगा। 25,000? अरे एक कौन सी अमाउंट मांग रहे हैं छोटी छोटी? 25 लाख मांगे तो लेता तो। यार अर्जेंट जरूरत है इसके लिए मैंने तुमको फोन किया, अगले महीने मैं वापस कर दूंगा। हाँ 25 लाख बोलो तो तुझे आज मिल जाता, लेकिन क्या हुआ मालूम है कि आज सुबह डिलीवरी के टाइम पूरा पैसा आज डिलीवरी को दे दिया, माल मंगाना था बहुत सा, 7-8-10 लाख रुपए आज दे दिया। तुम गलत टाइम पे फोन किया मुझे, मुझे मालूम है, लेकिन इस वक्त टाइम ऐसा है ना, ये टाइम पे आपने जो मुझे फोन किया वो गलत टाइम पे आपने फोन किया। अगर सुबह जल्दी करवाता तो मैं तुम्हारा 25 लाख देता। साला हरामी झूठ बोल रहा है। अरे आ गए रमन अंकल, रमन अंकल आज क्या आज अभी का अभी कारिका के अकाउंट में आज क्या 10 लाख रुपए ट्रांसफर हो जाना चाहिए, ठीक है? इसके बायोडाटा में अकाउंट नंबर है, ठीक है? जाओ जाके वो काम करो। साला हरम, मैंने 25,000 मांगे नहीं दिया, लौंडिया देखी और उसे 10 लाख देने के लिए तैयार हो गया। अभी गया नहीं तू? जा। इतने सालों का वफादारी का तुमने यही इनाम दिया मुझे, ये छोटी सी रिक्वेस्ट किया वो भी नहीं सुना, कमीना कहीं का। रमन भाई कैसे याद किया इतने दिनों के बाद? मिश्रा जी मुझे अर्जेंट 25,000 की जरूरत है यार, क्या कर पाओगे? 25,000? हाँ यार 25,000। खाली 25,000? हाँ यार खाली 25,000 चाहिए, अगले महीने वापस कर दूंगा। कभी चाहिए आपको? आज और अभी। 25,000 की बात है ना, एक काम करो ना, 2-4 दिन रुको, ज्यादा कर देता हूँ, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? आज अर्जेंट था यार। सॉरी यार आज तो नहीं हो पाएगा, 2-4 दिन रुक जाओ यार, करता हूँ, ठीक है? आज नहीं हो पाएगा, ठीक है? हाँ, चलो रखता हूँ। हाँ साला कमीना ये भी धोखा दे दिया। ठीक है रमन जी, ओके। अरे दादा आप आ गए। अरे आप दारू पी रहे हो? मगर क्यों? किस बात का? हो गया था।
हाँ बेटा, साहब सपना तेरा चूर हो गया। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने तुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी बेटी को कंप्यूटर लाऊंगा। अब मेरा बर्थडे बॉस ने धोखा दे दिया बेटा, अब तेरा सपना कभी नहीं पूरा होगा। मैं हार गया बेटा, हार गया। आप अभी से ऐसे करते हो और प्रॉमिसेस तोड़ते हो। मेरे दोस्तों के पास कंप्यूटर सेटअप सब है, आप भी मुझे कुछ नहीं देते हो। मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूं। मुझे माफ करना बेटे, मैंने तेरा सपना पूरा नहीं कर सका। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वो साला चिंदी चूर मेरे बरसों की ईमानदारी का मजाक उड़ाया, मेरी औकात दिखाई उसने। देख अब मैं तुझे किस तरह से रुला रुला कर बर्बाद करूंगा। और ये रमन आज ये कसम खाता है, मैं अपने आप को बदल दूंगा मैं अपने आप को, और मैं अपने बेटे की सारी ख्वाहिश पूरा करूंगा, सारी ख्वाहिशें। राज, अब तू मेरे चंगुल से बच नहीं सकता। तूने 25,000 के लिए मुझे रुलाया, मेरे बच्चे का दिल तोड़ा, अब तू हर पल रोएगा। बेटा ईशान, अब तू कभी किसी चीज के लिए नहीं तरसेगा। देख ही आज रमन बदल गया, बिल्कुल बदल गया। मेरा बेटा यहाँ आकर बैठा है तू। अरे मैं तुझे उधर खोजा, वहां नहीं दिखा, तो इसके लिए इस तरफ आए। आप झूठा वादा करोगे? पगले होते नहीं, तेरा दादा तुझसे ये वादा करता है कि तेरा गिफ्ट तुझे जरूर लाके देगा। और हाँ, मुझे भूख लगी है यार। बॉस ने धोखा दे दिया। अरे पगले, बॉस ने धोखा दिया? तेरा दादा तुझे धोखा नहीं दिया। अरे बेटा, ये तेरे दादा का प्रॉमिस है, तेरे लिए तेरा कंप्यूटर जरूर लाएगा ये तेरा दादा। हाँ हाँ बेटा, तू टेंशन मत ले, मैं तेरा 2 दिन के अंदर मैं तेरा कंप्यूटर लेकर आऊंगा, पक्का प्रॉमिस। चलो बेटा, आज तेरा फेवरेट खाना बनाते हैं। हाँ बेटा, तेरा पसंदीदा खाना आलू का पराठा और रायता। आलू का पराठा रायता, चलो साथ में बनाते हैं। हाँ चलो। सर एक चेक साइन करना था। अरे तुमको 20 चेक में ऑलरेडी साइन करके दिया हूँ, वो यूज करो ना। हलवा खाया करो, हलवा थोड़ा दिमाग चलेगा। जाओ जाके वो यूज करो, कोई ब्लैंक चेक है वो। उन्हें तो मेरा काम आसान कर दिया राज, ब्लैंक चेक याद दिलाकर। देख अब तेरा कैसे वाट लगाता हूँ मैं। अरे
भाई कैसे दिया भाजी? अरे भाई बहुत महंगा है। अरे भाई फिर भी दाम तो बताओ। इसका पाव हो गया है, इस टाइम सब भाजी महंगा चल रहा है। ना कितना चाहिए बोलिए, डिस्काउंट कर दूंगा। सभी भाजी 5-5 किलो पैक कर दो। कर दूं। और शूटिंग के लिए जब भी जरूरत पड़ेगा मैं फोन कर दूंगा शूटिंग स्पॉट पर लेकर आ जाने का। क्या करूं, पैसों का अरेंज कैसे करूं, किस बकरे को हलाल करूं? 70-80 लाख चाहिए थे, नहीं तो मेरा घर चला जाएगा। लोन कैसे भरूं? अरे आप जब भी आइए, अभी तुरंत मैं सब 5-5 किलो भर कर रख देता हूँ, आ जाऊंगा। हाँ ठीक है। हेलो हेलो सारिका जी। हाँ रमन सर बोलिए। मुझे मालूम है सारिका, तुम यहाँ पे काम करने के लिए नहीं बल्कि राज को बर्बाद करने के लिए आई हो। सारिका मेरे पास एक प्लान है, लाखों नहीं करोड़ों तुम कमा सकती हो अगर मेरा साथ दोगी तो। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ नोट छापने का। मुझे मालूम है कि तुझे अपना घर बचाने के लिए तू कुछ भी कर सकती है, कुछ नहीं होगा। करोड़ों कमाएगी सब कुछ होगा, समझी? वाकई अगर तुझे नोट कमाना है तो तू मेरा साथ दे। ठीक है मैं आपके साथ हूँ। लेकिन एक बात याद रखना सारिका, इस बात का पता राज को कभी नहीं चलना चाहिए। आप टेंशन मत लीजिए सर, ये बात राज को क्या, राज के बाप को भी पता नहीं चलेगा। यू डोंट वरी। एक काम करो सारिका, तुम मुझसे आकर अभी मिलो। ठीक है, कहाँ आऊँ? मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, तुम ऑफिस में आकर मिलो। सर अरे तुम मेरे को जरा भी अक्कल नहीं है क्या? दरवाजा लॉक करके आना चाहिए ना। देखो इंसान, चलो ठीक है, क्या बात है बताओ। मैं जा रहा हूँ, मेरा काम खत्म हो गया। हाँ ठीक है जाओ। सर सर सर, आज एक्चुअली मेरी मम्मी का तबीयत खराब है तो मुझे आज जल्दी घर जाना पड़ेगा, तो मैं आज जाऊँ सर? मैं कल जल्दी आती हूँ, मैं पहुंच के फोन करती हूँ आपको। रमन सर आज का दिन तो कमाल हो गया। रमन अंकल बोले मैं जा रहा हूँ, चले गए। और ये सारी सारी का जैसे मूड बन गया था करीब, क्योंकि माँ बीमार है। अरे बेटा ईशान, कंप्यूटर एंजॉय कर रहे हो? दादा आप आ गए? हाँ। थैंक्स दादा, मेरे फेवरेट गिफ्ट लाया, वेरी वेरी थैंक यू। इसमें सब पढ़ाई भी कर सकते हैं, टाइपिंग भी होता है इसमें, कुछ भी कर सकते हैं। स्कूल के वर्क्स में इसमें ही करूँगा, इसमें बहुत अच्छी राइटिंग भी लिखा जा सकता है। चल बेटा ईशान, इसी खुशी में आज पिज्जा पार्टी करते हैं। चलो दादा इसी खुशी में आज पिज्जा पार्टी करते हैं, लेट्स गो।